हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. मैंने क्या रिप्लाई फ्रेंड्स, उस सोल्जर ने रिप्लाई दिया इस लेटर के अकॉर्डिंग कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और हैप्पी क्रिसमस आपको भी। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, डोरसेट प्लेस का नाम है, इंग्लैंड में वेस्ट पार्ट में पड़ती है इंग्लैंड के, जो कि डोरसेट। ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माय रूम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड। क्या करें फ्रेंड्स, उसने कहा डोरसेट, वह उसने स्माइल की और उसने कहा मैं इस प्लेस को जानता हूँ, मैंने इसके बारे में, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं यहाँ पर गया हूँ पहले, वहाँ पर रहा हूँ और यहाँ का एक्सीलेंट सोसेज, यहाँ का सोसेज का मीन्स क्या बताता फ्रेंड्स, मैंने मीट, एंड वी टॉक्ड और हमने एक दूसरे से बातें की, कोनी हाउ वी, कोनी उसकी वाइफ का नेम है, कोनी हाउ वी टॉक्ड, कैसे हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश but it turned out that he had never set foot in Dorset. वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने डोरसेट में कभी पैर नहीं रखा है और उसने कभी इंग्लैंड को भी नहीं देखा है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. वह इंग्लैंड के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, स्कूल बुक्स, इंग्लिश की बुकें, उसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, यह नेम है बुक का। सो आउट देयर इन नोमन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट टॉय एंड डोरसेट, हमने इन सभी के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा जो अभी 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने मेरी तरफ या चारों तरफ देखा तो हर तरफ खाकी और ग्रे पहने हुए सोल्जर्स थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हेंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ओवर। क्या कह रहे फ्रेंड्स, जो नो मैन्स लैंड थी वहाँ पर हंसने की, बातें करने की, ड्रिंकिंग की और ईटिंग की, खाने की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा कर रहे थे वो। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज, और मैंने और हैंस वोल्फ ने शेयर किया जो कुछ बचा हुआ था। वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी हमने वंडरफुल क्रिसमस केक भी शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। I agreed, we agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. क्या कहा फ्रेंड्स, वह सोचता था कि मार्जिपन सबसे अच्छा होता है जो आज तक उसने टेस्ट किया है। मार्जिपन का मीनिंग क्या हुआ है, ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स, कि किसी भी केक के ऊपर एक मीठी कवरिंग जो कि किससे बनी होती है, शुगर से, एग से और आलमंड से। और हम लोग दुश्मन थे लेकिन एक दूसरे के साथ काफ़ी एग्री थे। मैंने ऐसा
क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं देखी कोनी। देन समवन आई डू नॉट नो हु ब्रूट आउट ए फुटबॉल ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड नेक्स्ट थिंक वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। लेकिन पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता कौन था वो, फुटबॉल लेके आया और उन्होंने ग्रेट कोट्स, जो वो बड़े बड़े कोट्स पहने हुए थे सोल्जर्स ने ठंड के मौसम में, उनके अंदर कील डंप्ड की और उनको गोल पोस्ट, गोल के पोल बना दिए, पोस्ट बना दिया उनको। और अगली बात क्या हुई कि टॉमी और फ्रिड्स के बिटवीन एक मैच हुआ। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टेपिंग अवर फीट्स टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जब फ्रिड्स और टॉमी के बीच में मैच स्टार्ट हो गया था, मतलब ब्रिटिश और जर्मन पीपल्स के बीच में मैच स्टार्ट हो गया था, तब क्या हुआ, हम लोग एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, ताड़ियां बजा रहे थे, अपने पैरों को थपथपा रहे थे जमीन के ऊपर, ताकि उस ठंड को दूर भगाया जा सके जो हमारे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक मोमेंट था जब हमने नोटिस किया कि हम हवा में सांस ले रहे थे, बिल्कुल कपकपाते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए। ही सा इट थ्रू एंड स्माइल्ड, और उसने भी इसको देखा और वह हंसा। जिम मैकफर्सन ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वार। और उसने कुछ समय के बाद कहा कि हमें ऐसे ही, इस तरीके से ही इस वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच होना चाहिए जिसके बीच में कोई नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड, नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे और किसी की पत्नी विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, तो फिर ब्रिटिश सोल्जर ने कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूँगा, मैंने उसे बताया। देन वी टॉमीज गुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, हम लोग ज़्यादा श्योर हैं क्रिकेट में जीतने के लिए कि हम लोग क्रिकेट जीत सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का नेशनल गेम भी क्रिकेट है और गेम भी वहीं से शुरू हुआ था। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम लोग इसके ऊपर हंसे और हमने एक साथ गेम को देखा। सैड टू से, बड़े दुखी की बात है, कोनी फ्रिज वोन, फ्रिज जर्मन लोग इसे जीत गए थे 2-1, 2-1 से। बट एज हैंस वोल्फ जनरली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, उसने, हैंस वोल्फ ने क्या कहा कि हमारा गोल उनसे बड़ा था। उन्होंने हमें सांत्वना देते हुए बड़े प्यारे स्वभाव में कहा कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए हम हार गए। सो इट वॉज नॉट केयर, इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, यह सही नहीं था। द टाइम केम, समय आया, ऑल टू सून, बहुत जल्द ही। वेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जितना लंबा चल सकते थे वे ख़त्म हो गए। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि यह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आई विस्ट हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने उसको बधाई दी कि आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को दोबारा जल्द ही मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जो फाइट है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और हम लोग घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि हर सोल्जर ऐसा सोचता हो, ऐसा ही चाहता है, दोनों तरफ से हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और ना तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, वह उसने मेरे को सैल्यूट किया और स्लोली स्लोली वहाँ से चला गया बिना इच्छा से। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया
he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. उसने मेरी तरफ हाथ हिला, wave means हाथ हिलाना, उसने मेरी तरफ एक बार हाथ हिलाया और फिर उन सैकड़ों grey-coated जो जर्मन सोल्जर्स थे वो किस टाइप का कोट पहने हुए थे फ्रेंड्स, ग्रे, उनके अंदर ड्रिफ्टिंग बैक, उनके अंदर मार्च करते हुए अपने ट्रेंचेस में चला गया. दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डग आउट, हमारे ट्रेंचेस के अंदर मतलब उन गड्ढों के अंदर, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए करोल, वो एक गाना गा रहे थे जिसका नाम है करोल, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो उसे बड़े सुंदरता से गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नाच्ड, इट वॉज स्टिल नाच्ड, जिसका मीनिंग क्या है, साइलेंट नाइट, जर्मन में इसे क्या कहते हैं, स्टिल नाच्ड. इस यह क्या थी, एक बहुत ही शांत रात थी. अवर बॉयज गेम देम ए रशिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड स्टेफर्ड्स वॉच्ड, हमारे लड़कों ने भी उन्हें रशिंग कोर्स, क्या होता है फ्रेंड्स, रष्टगान का सॉन्ग, आखिरी पहरे, हमारे बॉयज ने भी उनके रष्टगान के पहरों में उनका साथ दिया. वाइल सेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वॉयल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने एक दूसरे के कैरोल्स के साथ एक दूसरे के साथ गाया लेकिन फिर हम शांत हो गए. वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, हमने अपना अच्छा समय बिताया और अच्छी शुभकामनाएं. ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज वाइल एज लाइव, मैंने ट्रेजर का मीनिंग यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, जब ट्रेजर को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या आता है, क्लस्ट कलेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब जो कीमती चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना. तो मैं इस समय को बहुत अच्छे से बिता रहा था, कलेक्ट कर रहा था एक एक क्षण को जितना मेरे से हो सका. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर इट. क्या कह रहे फ्रेंड्स, उसने कहा कि डियरेस्ट कोनी, अगले समय क्रिसमस तक यह वार कुछ नहीं होगा बल्कि एक डिस्टेंस, काफ़ी पुरानी बात होगी, दूर, डिस्टेंट मतलब दूर की बात होगी, जो कि सिर्फ एक डरावनी मेमोरी होगी. और मैं जानता हूँ कि जो आज घटित हुआ दोनों की आर्मीज के बीच में, जो शांति के लिए शांति थी, वी शैल बी टुगेदर, हम जल्द ही एक दूसरे के विरुद्ध होंगे जंग में, मुझे इस बात का पक्का पता है. योर लविंग जिम, उसने लिखा कि तुम्हारा प्यारा जिम. हम अब फ्रेंड्स थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. फ्रेंड्स ऑथर ने इस लेसन को पढ़ा और इसको लेसन के अंदर डिस्क्राइब किया. अब वह इसके बाद की स्टोरी हमारे को बता रहा है लेसन के अकॉर्डिंग. तो उसने इसको लेटर को बंद किया और उसने केयरफुली उस एनवेलप के अंदर डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, आई ड्रव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे. मैं सारी रात जागता रहा और सुबह होने को मेरे को पता था क्या करना था, मैं ब्रिडपोर्ट की तरफ चला गया जो कि मेरे से कुछ ही माइल दूर था. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमाने के लिए के आ रहा था, जो कहां पर था, कूपर बीचेस में, हाउस नंबर 12, टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नट आउट शेल. मैंने उससे हाउस नंबर 12 के बारे में पूछा जो कि कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ घर था. ए द रूफ गैपिंग, उसकी छत उकड़ी हुई थी. द विंडोज बोर्डेड अप, और विंडोज क्या थी, वो जली हुई थी या टूटी हुई थी. आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिस्टर मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन सॉरी. तो मैंने आगे वाले दरवाजे के ऊपर नॉक किया और उनसे पूछा कि वो मिसेस मैकफर्सन, मिस मैकफर्सन की वाइफ के बारे में जानते हैं या नहीं. ओ यस
सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। एक ओल्ड आदमी ने कहा, अपने स्लीपर के अंदर था, स्लीपर पहने हुए था, वो बाहर आया था। ही हाँ ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी ए बिटल बिट मडल हेडिड। मडल हेडिड का मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? अनऑर्गेनाइज्ड माइंड, मतलब उसका दिमाग अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। एक प्यारी लेडी, बूढ़ी औरत, उसने मुझे बताया, लेकिन थोड़ा बहुत उसका दिमाग सटक गया था। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन इस उम्र में ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉज नॉट सी, क्या ऐसा नहीं था। ए 101 years old, 101 साल बूढ़ी। सी हैड बीन इन द हाउस When it caught fire, वह इस हाउस में रही थी जब आग लगी थी। No one really know how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity. कोई नहीं जानता कि सही तरीके से आग कैसे शुरू हुई थी, लेकिन हर किसी का यह मानना है कि वो कैंडल से लगी होगी। वह कैंडल्स का यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कैंडल्स की जगह। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि जो फायरमैन है आग बुझाने वाले जवान मैन, उन्होंने उसे उस समय बाहर निकाला। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम, अब वह एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, उसने बताया कि वह बर्लिंगटन हाउस में है। ऑन द डोरकेस्टर रोड, डोरकेस्टर रोड के ऊपर। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन की दूसरी तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, मेरे को मिल गया था आसानी से बर्लिंगटन हाउस। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, वहाँ पर पेपर से बनी हुई चेन्स थी और लाइटेड क्रिसमस ट्री था, एक कोने में खुड़ा हुआ था विद ए लोपसाइटेड। लोपसाइटेड का मीनिंग क्या होता है? एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा, इस एंगल में वह बनाया हुआ था ऊपर से। आई सेड आई वेज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, उनका क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में हर कोई पेपर हैट पहने हुआ था और गा रहा था। द मैटरन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैटरन जो वहाँ की सबसे हेड नर्स थी, वो भी खुश दिखाई दे रही थी और उसने भी हैट पहनी हुई थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिंस पाई, उन्होंने मुझे एक मिंस पाई ऑफर की, जो स्वीट पाई होती है इंग्लैंड में, ऐसी पाई है। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ कॉरिडोर में आई। मिसिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वह हम सभी के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, वह थोड़ा सा कन्फ्यूज या तो थोड़ा सा कन्फ्यूज थी, इसलिए हमने उसे हमारे साथ नहीं रखा, उसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। उसने कहा कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, तुम जानते हो, और उसके पास कोई नहीं आता। सो आई एम श्योर, मुझे पक्का है कि सी विल ओनली बी टू प्लीज टू सी यू, वह बहुत खुश होगी तुम्हें देख के। सी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेन्स, वह उसको कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी मतलब सुरक्षित स्थान या कोई प्लेस का नेम होता है जहाँ पर बूढ़े या बीमार लोगों को रखा जाता है। वीकर चेयर, वीकर चेयर जो कमज़ोर लोगों के लिए चेयर होती है, वहाँ पर उसको रखा हुआ था, वहाँ पर मेरे को वो ले गई। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वहाँ पर हर तरफ गमले में प्लांट्स थे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू ए विस्पी बर्न। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी व्हील चेयर के ऊपर, अपने हाथों को मोड़े हुए, और उसके हेयर कैसे हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, और उसने जूड़ा कर रखा था।
और वह बाहर गार्डन की तरफ झांक रही थी। हेलो आई सेड, सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और मैंने उसे कहा हेलो और उसने मेरी तरफ देखा। और हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ यूवर्स। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, मुझे यह मिला है, यह तुम्हारा हो सकता है। वो लिफाफा, वो लेटर ले हुआ था हाथ में। आई एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से दूर नहीं गई। तो मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसको दिया। दैट वॉज मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और एक क्षण के लिए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह पहचान रही थी और उसका चेहरा खुशी से एकदम खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई फाइंड फाउंड इट, कि मुझे ऐसा उसे कैसे मिला, वह कैसे मिला मुझे। बट आई डोंट नॉट थिंक सी वॉज लिसनिंग, लेकिन मेरे को पता है कि वो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरे को सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स, उसने अपने फिंगर ट्रिप्स से उसको आराम से पकड़ा। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और उसने मेरी हाथ को पकड़ लिया, मेरी तरफ पहुँची और बाहर की तरफ और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम जरूर घर आओगे क्रिसमस पर, डियरेस्ट सी सेड, उसने कहा। और तुम, यह मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है दुनिया में। कम क्लोजर मेरे पास आओ जिम डियर, और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं वहाँ पर नीचे बैठ गया उसकी तरफ, उसके पीछे, उसके बगल में, सॉरी बिसाइड बगल। एंड सी किस्ड माई चिक, उसने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, पढ़ती हूँ एवरी डे, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हीर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ अपने कानों में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मेरे को यह हमेशा एहसास कराते रहते थे कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ, अब तुम आ गए हो तो तुम ही इसे अपने आप मुझे पढ़ के सुनाओगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर यूर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसा करने में। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर बाद में हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसका नाम था मार्जिपन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपन को कितना पसंद करते हो। माइकल मोर पुरगो इज द नेम ऑफ दिस लेसन, सॉरी मार्को, माइकल मोर पुरगो इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। सो फ्रेंड द लेसन हैज़ कंप्लीटेड, वी विल डिस्कस दिस लेसन क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।